पाकिस्तानों में बे मुझको ये लगा है कि हम सेफ नहीं है। अमित शाह जैसा बेशरम आदमी नैतिकता से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे मुसलमान रह जाएंगे, बौद्ध जैन सिख क्रिश्चियन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, तो मुसलमान कहाँ से आए थे? क्या ये मुसलमानों का देश नहीं है? गलत हो रहा है। हाँ मुझे डर लग रहा है, हिंदू हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। अमित शाह मोदी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह कौन थे? अमित शाह करी पार्टी थे। उसके थाली में सब चंगा है वरना सब नंगा है, सब नंगा है। नागरिकता संशोधन बिल जो है लोकसभा में पास होने के बाद प्रोटेस्ट लगातार तेज हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग आज पहुंचे हैं, बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये देश ना अमित शाह ना मोदी जी किसी के बाप का नहीं है, ये देश हम सबका है। इस देश में जो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हुए आए हैं, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन सबका है। और वो चाहे जितने मर्जी कानून बनाते रहे, जितने मर्जी उसको पास करते रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सरकार ढहेगी और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उनके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं, अगर कांग्रेस ऐसा न करती तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाए। पिछले 70 साल में आपने कभी ऐसा हुजूम देखा था कि कोई लोग एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग इस तरह से सड़कों पर आए हैं? कांग्रेस राज में मुस्लिम्स को कभी भी ऐसा लगा कि हम सेफ नहीं है? क्यों 5 सालों में बेन मुस्लिम्स को ये लगा है कि हम सेफ नहीं है? मंत्री साहब कह रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री जी साफ साफ ये क्यों नहीं बोलते कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? किसी की बात ना करें वो। जब उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी तब उन्होंने सबका नाम लिया था, हिंदुओं का नाम लिया था, जैन का, बौद्ध का और क्रिश्चियन सबका। उन्होंने तब मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं लिया था कि उनको डरने की जरूरत नहीं है? उनकी गुंडागर्दी कितने टाइम तक चल सकती है? समय पास हो गया, लग रहा है राज्यसभा में भी रास्ता आसान ही है। देखिए मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में वो पास होगा। अगर राज्यसभा में वो पास नहीं होगा, अगर बाकी पार्टीज के लोगों के अंदर जमीर बचा है तो वो पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं आई हूँ सबको सपोर्ट करने, मैं फ्रॉम द डे वन सपोर्ट कर रही हूँ। मैं हम जहाँ हम पैदा हुए हैं, हम लोग सिर्फ हिंदुओं के बीच में पैदा नहीं हुए, हम बचपन से आज तक अपने साथ में सिखों को लेकर भी चले हैं, मुस्लिम्स को लेकर भी चले हैं, उन सबके साथ पले बड़े हैं और उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सरासर कानून का उल्लंघन है। एक मुट्ठी भर लोग एक कमजोर तबके को टारगेट करके अपनी कमियां और अपनी खामियां छुपा रहे हैं। जो उन्होंने देश को लूटा है ना, जो उद्योगपतियों के घर भरे उन्होंने, तो वो उस खामी को जिन्होंने कोई काम नहीं किया उस खामियों को छुपाने के लिए, अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए, इलेक्शन में आने वाले टाइम के वोट बैंक के लिए इन्होंने कमजोर तबके को टारगेट किया और ये नहीं चलेगा। हम ऐसे ही खामोशी से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। गांधीवादी लोग हैं हम, अमन चाहते हैं, हम कोई हिंसा नहीं फैलाएंगे, हम अहिंसा के साथ, हम खामोशी के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, क्यों सड़कों पर आ रहे हैं? ये एनआरसी के लिए फर्स्ट स्टेप है, सीएबी आप लोगों को समझना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है ये कि ये सिर्फ एक कमजोर तबके के लिए घृणा क्यों फैला रहे हैं? उसको सेकंड नागरिक, इसको ये दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये पता भी है समझ लोगों को, इनकी चालाकी अभी समझ नहीं आ रही है। ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए एक कमजोर तबके को टारगेट किया जा रहा है। किसको खुश किया जा रहा है? आपको हम एक बात बताते हैं, हिंदूज बहुत सेक्युलर होते हैं और हिंदूज में कई तबके आते हैं, SC ST शूद्र ब्राह्मण वैश्य कई तरह के, ब्राह्मण लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, मगर एक छोटे से तबके को खुश करने के लिए कुछ लोगों ने अपने हाथ में सत्ता को लेके उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए हैं। बिल तो पास लग रहा है, हो जाएगा? नहीं होगा, हम पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, मगर आगे भी अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है और ऊपर से फिर सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हम लोग आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। छोटे से मुट्ठी भर लोगों से ही आंदोलन की शुरुआत होती है, यह हमारा कानूनी अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन है ये। अगर मुसलमानों के लिए 54 कंट्रीज है, हम नहीं जानते उन 54 कंट्रीज को, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, वो लोग हमें कभी नहीं लेंगे। पाकिस्तान को हम नहीं जानते, अफगानिस्तान को हम नहीं जानते। पता है आपको, पाकिस्तान में जो पार्टीशन के टाइम जो मुसलमान वहाँ गए थे, आज उनको महाजिर कहा जाता है, तो क्या वो आज हम लोगों को ले लेंगे? कोई दौलतमंद है तो अपने लिए, कोई किसी को अपनी दौलत नहीं देता। ये हमारा देश है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं और हम यही रहेंगे। एनआरसी से पहले की तैयारी, ये एनआरसी से पहले का स्टेप है कि सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, बौद्ध जैन सिख क्रिश्चियन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, तो मुसलमान कहाँ से आए थे? क्या ये मुसलमानों का देश नहीं है? इस बिल के खिलाफ यही कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, वो मुसलमान जिन्होंने कभी भी इस देश के लिए किसी भी उससे पीछे नहीं हटे, हर जगह अपनी कुर्बानी
कुर्बानियां दी हैं, चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, उसी मुस्लिम एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अमित शाह मोदी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह कौन थे? अमित शाह तड़ी पार थे। तड़ी पार का मतलब ये है कि जो समाज में रहने के काबिल नहीं है, आज जो तड़ी पार है समाज में रहने के काबिल नहीं है, सत्ता उसी के हाथ में है जिसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी नहीं पास होगा, नहीं पास होगा। हम लोग सड़कों पे उतरे, जो हमें करना पड़े हम करेंगे। ये लोग डरा रहे धमका रहे, हम तो डरने वाले हैं नहीं। लोग जिंदा है, उनका जमीर जिंदा है, लोग सेक्युलर है, तभी उनके 80 वोट पड़े हैं और अभी राज्यसभा बाकी और अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को पता है इन सब चीजों के बारे में, जो समझते हैं कि इस कंट्री का सेक्युलर होना कितना जरूरी है और कितना जरूरी, हमको वादा किया गया था हमेशा से इंडिपेंडेंस के टाइम से कि हमारा हिंदुस्तान सेक्युलर रहेगा, हम सारे धर्मों को एक बराबर एक जगह रखेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब वो दगाबाजी की जा रही है और भेदभाव किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए हम लोग सेक्युलर है, इसलिए वहाँ पर जो प्रताड़ित लोग हैं उनको हम लोग ले रहे हैं। तो जो तर्क दिया उसको देखिए, तर्क अब एकदम से पलट जाएंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल निकालेंगे और ऐसे तर्क देंगे कि हम कैसे उनको रखेंगे अपनी कंट्रीज में, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा बिल निकालना जहां ऑलरेडी जो हमारी कंट्री के सिटीजन है उनको ऐसा लगने लगे कि हमारा क्या होगा, हम इस देश में रहेंगे भी कि नहीं, या हमें वो कागजात दिखाने पड़ेंगे इस देश में रहने के लिए, वो जो एक डर पैदा कर रहा है लोगों के मन में, उसका क्या? पूरे देश भर में एनआरसी लागू होने वाला है। तो सारे एक एक डिसीजन, कश्मीर का डिसीजन, एनआरसी, ये डिसीजन, मुझे बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म बांध देते हैं आंखों पे पट्टी, सबके बांध देते हैं इक्वालिटी पे पट्टी। कुछ पार्टियों ने समर्थन किया जिसमें जेडीयू और तमाम पार्टियों ने समर्थन किया, बीजेडी, तो जो सेक्युलर पार्टी खुद को बता रही है वो भी समर्थन कर रही है, क्या लाचारी है? क्या आपको लग रहा है कुछ माहौल ही ऐसा है कि माहौल डेफिनेटली ऐसा है, डर का माहौल मुझे लगता है बन गया है। और बीजेपी का जैसे दादाशाही, एक तानाशाही चल रही है इतने समय से, वो बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। हम डीयू के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए भी यहाँ आना काफी मुश्किल है। हम भी एकजुट होके एक ग्रुप में जब निकलते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी मॉरल वैल्यूज और हमारे एथिक्स के लिए जरूरी है, हम अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगे, इसलिए हम एकजुट होके बाहर निकलते हैं। लेकिन एक एक इंसान के लिए उसके घर से बाहर आना, सड़कों पे आना मुश्किल है। हम भी कहां आ रहे हैं, जंतर मंतर की उस जगह पे आके खड़े हैं ना, जहां हमें लगता है कि ठीक है एक बार को बोल सकते हैं, इस बैरिकेड के पार जाके मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैम आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, अमित शाह जी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर किया, इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। उनके हिसाब से 370 का रद्द करना भी एकदम सही था, और उनके हिसाब से देश में जो हो रहा है उसमें किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब डरे हुए हैं, यही बात काफी है, सब डरे हुए हैं, गलत हो रहा है। हाँ मुझे डर लग रहा है, हिंदू हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है इस देश में रहने में, आगे की क्या होगा, आगे अगले साल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर लग रहा है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे सिर्फ हिंदू होके थोड़ी ना खड़ी रहूंगी मैं, कभी भी मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है, हूँ मैं एक लेडी, मैं एक वुमेन हूँ, मेरी उस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठ, किसी भी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन, मेरी क्लास पे, मेरी कास्ट पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर किसी को डरना चाहिए और हर किसी को बोलना चाहिए। तो अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। तो अब हम अपने घरों में बैठ के करेंगे भी क्या जी? क्या उनके साथ हम, वो लोग हमें अगर जेल में डालेंगे या डिटेंशन सेंटर में डालेंगे तो हम तो नहीं जाने वाले, हम यहाँ पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पर रहे हैं, हमारा कोई नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। गृह मंत्री जी ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरने की जरूरत नहीं है तो खुल के नाम लेना, वो मुस्लिम भी साथ हैं। कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल धर्म के आधार पर है, ये खुले आम उन्होंने इस बात का वहाँ बैठ कर उन्होंने रात में फैसला ले लिया कि फला 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 कास्ट यहाँ रह सकती हैं, मुस्लिम्स क्यों नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो जिक्र है, कहा कि अगर वहाँ पर प्रताड़ित है तो क्या वहाँ पर मुस्लिम्स प्रताड़ित नहीं है?
रोहिंग्या में नहीं हुए थे मुस्लिम प्रताड़ित, वो नहीं आ सकते। अगर उन लोगों को यहाँ आना होगा तो क्या यहाँ की जनता या यहाँ की सरकार उन्हें नहीं एंटर करने देगी? ये मुद्दे की राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, राम जन्मभूमि खत्म कर दिया है, अब मुद्दा बनाओ, जिंदा रहो, नया मुद्दा लेके आए, कैंसर बनाओ, मुद्दा नहीं, मुद्दे को कैंसर बना दो, फिर सारी सरकारें लड़ेंगी। आम जनता घास बुली की तरह मर रही, बेरोजगारी फैली है, ये रोजगार दे नहीं पा रहे, उसके पास ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं, हमें रोजगार हमारे देश में नहीं मिल रहा है, हमारे घर में मुझे खाना नहीं मिल रहा है, हम दूसरे खाना कैसे खिला देंगे? संसाधन कहाँ है? अरे वहाँ पे वो लोग प्रताड़ित है, हमारा धर्म बनता है। अगर तुम्हारा धर्म बनता है हमेशा प्रताड़ित है वो लोग, तो मैं कह रही हूँ तुम्हारा धर्म ये नहीं बनता है कि जितनी महिला यहाँ पे रेप हो रहा है, बलात्कार जलाया जा रहा है, सूटेड साइड का एक कानून पास करो तुरंत तुरंत, ये धर्म तुम्हारा नहीं है। हमारे घर के बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, भटक रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म यह है कि मुद्दे बनाओ, मुद्दे कैंसर बनाओ, राजनीति करो। अगर धर्म है तो बेधर्मी मत हो, अपने देश को जिंदा रहने दो पहले, देशवासी को जिंदा रहने दो पहले, उसके बाद धर्म की बात करो। धर्म धर्म धर्म, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ये।